नमस्कार स्वागत है आप सभी का ज्ञान गंगा चैनल पर हिंदू पंचांग के अनुसार अश्वनी मघा मूल अश्लेषा ज्येष्ठा और रेवती ये छह नक्षत्र गणमूल नक्षत्र कहलाते हैं जब कोई बालक इनमें से किसी भी नक्षत्र में जन्म लेता है तो उसकी शांति पूजा कराई जाती है बच्चे के जन्म के सत्ताईसवें दिन जब उसका जन्म नक्षत्र आता है तब ये पूजा कराई जाती है लेकिन अगर किसी कारणवश गणमूल नक्षत्र की पूजा ना कराई जा सके तब बच्चे के जन्मदिन के आसपास ही पूजा करा सकते हैं आज के इस वीडियो में हम जानेंगे की जनवरी 2024 हजार चौबीस में गणमूल नक्षत्र की तिथियां क्या रहेंगी दिन दिनांक व नक्षत्र क्या रहेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामी गणमूल नक्षत्र की तिथियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो जनवरी 2024 में गणमूल नक्षत्र की तिथियां इस प्रकार रहेंगी गणमूल नक्षत्र का आरंभ होगा 30 दिसंबर 2023 दिन शनिवार को सुबह तीन बजकर दस मिनट आरोप नक्षत्र रहेगा श्लेषा अंत होगा 1 जनवरी 2024 दिन सोमवार को सुबह आठ बजकर छत्तीस मिनट पर नक्षत्र रहेगा मखा इसके पश्चात गणमूल नक्षत्र का आरंभ होगा आठ जनवरी दो दिन सोमवार को रात के 10 बजकर कर 3 मिनट पर नक्षत्र रहेगा ज्येष्ठा और अंत होगा 10 जनवरी 2024 दिन बुधवार को शाम के 7 बजकर कर 40 मिनट पर नक्षत्र रहेगा मूल इसके पश्चात गणमूल नक्षत्र का आरंभ होगा 17 जनवरी 2024 दिन बुधवार को सुबह 4 बजकर कर मिनट पर नक्षत्र रहेगा रेवती अंत होगा 19 जनवरी 2024 दिन शुक्रवार को सुबह 2 बज कर मिनट पर नक्षत्र रहेगा अश्वनी पश्चात गणमूल नक्षत्र का आरंभ होगा 26 जनवरी 2024 दिन शुक्रवार को सुबह दस बजकर अट्ठाईस मिनट पर नक्षत्र रहेगा श्लेषा अंत होगा 28 जनवरी 2024 दिन रविवार को दोपहर तीन बजकर तिरपन मिनट पर नक्षत्र रहेगा मघा मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ